हाटकोटी मंदिर हिमाचल में तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगे। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो गई। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। भूत सिंह धन्यास्त्र और तत्काल उस अवस्था में जगदम्बा जो है उसका मस्तक काटने को उचित हुई तुम्हें वह खरोदारी पुष्के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाण की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी डूब डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गंजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसके सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल कर दिया। तथा पुत्रा जगन माता चंडिका पाण उत्तम कपोल पुनः और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो है उसका मस्तक काटने को उचित हुई तुम्हें वह खरोदारी पुष्के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी डूब डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गंजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसके सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल कर दिया। तथा पुत्रा जगन माता चंडिका पाण उत्तम कपोल पुनः हाटकोटी मंदिर हिमाचल में तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर देवी के ऊपर फेंकने लगे। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो गई। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। भूत सिंह धन्यास्त्र साक्ष